इस मूवी में हम देखेंगे कैसे एक लड़का अपने बाप से छुपकर अपनी मॉम की पलंग तोड़ ठुकाई करता है। जब वो पकड़ा जाता है तब उसके साथ क्या होता है ये हमें आगे पता चलेगा। कहानी के शुरू होते ही हम कैथरीन नाम की औरत को देखते हैं जो अपने बड़े बेटे निकी को याद कर रही थी। वो 16 साल की उम्र में कार एक्सीडेंट में मर चुका था और कैथरीन इस सदमे से अब तक नहीं निकल पाई है। वो अपने छोटे बेटे ब्रैडी को निकी के कमरे में भी जाने नहीं देती जिसकी वजह से ब्रैडी को काफी बुरा फील होता है। दूसरी तरफ हम बार्ट नाम के एक टीचर को देखते हैं जिसके पास शेरी नाम की एक स्टूडेंट आती है। इनकी बातों से हमें पता चलता है ये दोनों एक दूसरे को बजाना चाहते हैं। शेरी एक वेदर रिपोर्टर भी होती है। इसके बाद हमें एक जोड़ी नाम के बंदे को देखते हैं जो जेल में होता है। उसने एक कार चुराई थी। कुछ दिनों के बाद जोड़ी जेल से रिहा हो जाता है। जेल के बाहर जोड़ी के डैड काल उसका वेट कर रहे थे। दोनों की बात से हमें पता चलता है ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। इसके बाद हम देखते हैं बार्ट को अपने घर पर निकी के एक्सीडेंट की कटिंग मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। अगले दिन हम जोड़ी को अपने घर पर देखते हैं जहां पर काल जोड़ी को 1 वीक का टाइम देता है कोई अच्छी नौकरी ढूंढने के लिए। काल के ऑफिस जाने के बाद जोड़ी की स्टेप मदर एलिस जोड़ी को कंफर्ट देने के लिए कोशिश करती है। एलिस देखने में काफी यंग थी लेकिन जोड़ी अपनी स्टेप मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि उसे लगता है एलिस ने सिर्फ पैसों के लिए उसके डैड से शादी की है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बार्ट अपने छोटे भाई डेनिस से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाता है। उसकी मेंटल हालत कुछ ठीक नहीं थी और डेनिस 2 साल से अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकला था। अगले सीन में हम बार्ट को काल से बात करता हुआ देखते हैं क्योंकि काल एक साइकोथेरेपिस्ट है और बार्ट को लग रहा था वो डिप्रेशन में जाने लगा है जिसकी वजह से वो थेरेपी के लिए काल के पास आता है। काल फिर बार्ट से इस सब का रीजन पूछता है। तब बार्ट उसे बताता है एक दिन मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ कार ड्राइव कर रहा था। अपनी फैमिली की बातों से परेशान होकर मैं अच्छे से ड्राइव नहीं कर पा रहा था जिसकी वजह से मेरी कार का दूसरी कार से एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में कैथरीन का बेटा निक्की मारा गया। लेकिन मैंने वहां पर एक और लड़के को भी देखा था जिसने एक बास्केटबॉल टी शर्ट पहनी हुई थी। ये सुनकर काल समझ जाता है वो कोई और नहीं मेरा बेटा जोड़ी था। इसके बाद काल उस थेरेपी को वहीं पर रोक देता है। इसके बाद हम जोड़ी को एक पिज्जा शॉप में इंटरव्यू देते हुए देखते हैं। शॉप का मैनेजर जोड़ी को ये जॉब नहीं देना चाहता था क्योंकि जोड़ी एक क्रिमिनल रह चुका है। लेकिन जोड़ी की काफी फोर्स करने पर शॉप का मैनेजर उस जोड़ी को वो जॉब देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम बार्ट को देखते हैं जो वेदर रिपोर्टिंग करती हुई शेरी को टीवी पर देख रहा था और इसके बारे में वो अपनी वाइफ एवी से बात करता है। तभी एवी उसके पास आकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है लेकिन बार्ट उसे मना कर देता है क्योंकि वो शेरी को देखने में बिजी था। इसके बाद हम देखते हैं जोड़ी अपने कमरे में टपाटप.com पर वीडियोस देख रहा था और एक्सिट मासट कर रहा था। तभी उसकी स्टेप मदर एलिस उसके कमरे में आ जाती है और जोड़ी को इस हालत में देखकर जल्दी से कमरे से बाहर चली जाती है। इस बात से गुस्सा होकर जोड़ी एक पार्क में चला जाता है जहां पर उसकी मुलाकात अपनी हाई स्कूल फ्रेंड मेलिसा से होती है। मेलिसा उसे कहती है निक्की की मॉम अभी यहीं पर थी क्या तुमने उनसे बात करने की कोशिश की। जोड़ी के ना बोलने पर मेलिसा उससे कहती है तुम्हें निक्की की मॉम से बात करना चाहिए और जाने से पहले वो पार्टी में जोड़ी को इनवाइट करती है। दूसरी तरफ एबी घर छोड़कर अपनी बहन के यहाँ चली जाती है क्योंकि बार्ट उसे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहा था। अगले दिन बार्ट और शेरी एक होटल रूम में मिलते हैं जहां पर ये दोनों पलंग तोड़ ठुकाई करते हैं। अब इनका अफेयर स्टार्ट हो चुका था। इसके बाद हम देखते हैं एलिस अपने कमरे में बिना कपड़ों के बाल सुखा रही थी। तभी वहां पर जोड़ी आ जाता है। एलिस नर्वस होकर जोड़ी से पूछती है तुम यहां पर क्या कर रहे हो। जोड़ी बिना कुछ कहे एलिस के करीब आने लगता है और उसे पीछे से पकड़कर किस करने लगता है। वो ठुकाई स्टार्ट करने ही वाला था तभी उसे काल की आवाज आ जाती है और वो बाथरूम में छिप जाता है। तभी एलिस काल को अपनी बातों में उलझाने लगती है जिसका फायदा उठाकर जोड़ी कमरे से बाहर निकल जाता है। अब एलिस और जोड़ी का भी अफेयर शुरू हो चुका था। जब काल घर पर नहीं होता था तब वो दोनों पलंग तोड़ कई करते थे। कुछ दिनों के बाद मेलिसा जोड़ी से मिलने के लिए पिज्जा शॉप पर पहुंच जाती है और उससे पूछती है तुम मेरी पार्टी पर क्यों नहीं आए। तब जोड़ी झूठ बोलते हुए कहता है उस दिन मैं काम में बिजी था। इसके बाद मेलिसा जोड़ी को छोड़ने के लिए उसके घर पर जाती है। काफी रात हो चुकी थी इसलिए जोड़ी मेलिसा को घर के अंदर आने के लिए बोलता है। अंदर आने के बाद एल्बम देखते हुए मेलिसा जोड़ी और निकी की फ्रेंडशिप की बातें करने लगती है। वो दोनों इमोशनल होकर काफी करीब आ चुके थे और किस करने वाले थे। तभी वहां पर एलिस आ जाती है। वो जोड़ी से मेलिसा के बारे में पूछती है। मेलिसा उसे बताती है हम दोनों हाई स्कूल फ्रेंड्स हैं। उसकी बातें सुनकर एलिस वहां से चली जाती है। इसके बाद जोड़ी मेलिसा को भी वहां से जाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ बार्ट को पता चलता है उसका भाई डेनिस किसी लड़की से फोन पर बात करता रहता है। फिर डेनिस की हालत ठीक करने के लिए वो उस लड़की को डेनिस के अपार्टमेंट पर इन्वाइट करता है। उस लड़की को देखते ही डेनिस छुपने की कोशिश करता है क्योंकि इन 2 सालों में डेनिस बार्ट के अलावा
अलावा किसी पर्सन से नहीं मिला था। वो लड़की डेनिस की हालत के बारे में सब कुछ जानती थी, इसलिए उसे अपने साथ कंफर्ट करवाने की पूरी कोशिश करती है। डेनिस को ठीक होता हुआ देखकर बार्ट बहुत ही खुश हो जाता है। दूसरी तरफ जोडी और मेलिसा भी एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे। इसके बाद हम एलिस को जोडी से बात करता हुआ देखते हैं, क्योंकि जोडी मेलिसा के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था, इसलिए वो एलिस से बात नहीं करता है और मेलिसा के साथ चला जाता है। इसके बाद रात को जोडी सो नहीं पा रहा था, तब वो कैथरीन को कॉल करता है और अगले दिन हम कैथरीन और जोडी को साथ में देखते हैं, जहां पर जोडी कैथरीन को बताता है निकी के साथ उस कार में मैं भी था और कार चुराने का आइडिया मेरा ही था, जिसके बाद हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया और यहाँ पर कोई नहीं जानता था। उस एक्सीडेंट में सारी गलती वार्ड की थी। जोडी के मुँह से सच सुनने के बाद कैथरीन पहले से अच्छा फील कर रही थी। वापस घर आने के बाद कैथरीन निकी की सारी चीजों को जला देती है, क्योंकि वो जान चुकी थी अब निकी कभी वापस नहीं आएगा। इसके बाद कैथरीन अपने छोटे बेटे ब्रैडी के साथ वैकेशन पर जाने का प्लान बनाती है, जिसे सुनकर ब्रैडी काफी खुश हो जाता है। इसके बाद हम डेनिस को देखते हैं, जो उस लड़की से मिलने के लिए 2 साल के बाद बाहर जा रहा था। ये देखकर बार्ट को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो माफी मांगने के लिए कैथरीन के पास चला जाता है, लेकिन कैथरीन पहले से ही जानती थी वो एक्सीडेंट बार्ट की वजह से हुआ था और वो बार्ट को मारने लगती है, फिर अपने बेटे को लेकर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जब जोडी घर आकर एलिस से बात करता है, तभी काल उनकी सारी बातें सुन लेता है और जोडी को अपनी स्टेप मदर की बजाने की वजह से बहुत मारता है। फिर गुस्से में जोडी भी अपने फादर को मारने लगता है। एलिस फिर उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है। काल को काफी ज्यादा चोट लगी थी, इसलिए एलिस उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम डेनिस को देखते हैं, जो उस लड़की के साथ डिनर कर रहा था। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।